नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिलानी माता कंप्यूटर पर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं जो मंत्रा की न्यू RD सर्विस आ गई है उसके बारे में, वो कैसे इंस्टॉल होगी, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर क्या क्या हैं। अगर हमारे पास विंडोज 7 है तो हमें नेट फ्रेमवर्क 4.5 वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले यही 4.0 वर्जन से होता था काम। विजुअल C++ 2013 और 2015-19 ये दोनों हमें चाहिएंगे। और विंडो अगर आपके पास 8, 10 और 11 है तो इसमें नेट फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है। ये कईयों में इनबिल्ट साथ हो जाते हैं, कईयों में नहीं होते, तो वो आप देख लेना। चलिए तो हम सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और इसमें टाइप करते हैं मंत्रा RD सर्विस। ये हम इसमें सर्च करते हैं, सर्च के बाद जो पहली साइट आएगी मंत्रा डाउनलोड, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए, पहले जो साइट थी अब की साइट में इंटरफेस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ हमें तीनों डिवाइस शो कर रहा है, मंत्रा MFS100, MIS100V2 जो आयरिस है, और जो लेटेस्ट आई है L1 MFS110L1। तो चलिए हम MFS100 का ही सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। ये इसकी तीन मैनुअल हैं किस प्रकार से इंस्टॉल होंगी। तो हम चलते हैं ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर पे यहाँ विंडो का जो ड्राइवर है 9.2.00 वर्जन, इसको यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ये देखिए डाउनलोड, पहले डायरेक्ट डाउनलोड होता था, तो अब यहाँ हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी होगी। तो चलिए अब हम इन्फॉर्मेशन डाल लेते हैं। चलिए तो मैं यहाँ जल्दी से अपना नाम, ईमेल आईडी, लास्ट नाम, फ़ोन नंबर सारे डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर भी डाल लेता हूँ। और यहाँ से आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करके जनरेट OTP करेंगे। OTP जो मेल पे आया है हम यहाँ से क्लिक करेंगे और ये हमारे पास OTP रहा 398063, ये हमारा OTP है। तो चलिए हम इसमें और इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हम फिर से उसी फर्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे, यहाँ से हम नीचे करेंगे और जो हमारी डिवाइस है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ड्राइवर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से देखो ये विंडो का वर्जन 9.2, इसको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, शो ऑल कर देंगे इसको। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। ऐसे ही हम बगल वाली जो RD सर्विस वाली टैब है इस पर क्लिक करके मंत्रा की और एंड्रॉयड की, देखो दो RD सर्विस हैं, तो हम विंडो वाली RD सर्विस को डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। नॉर्मल के लिए यही दोनों काम आने वाली है, बाकी इसमें फीचर्स देखिए और भी बढ़ गए हैं।
एंड्रॉयड SDK, विंडो .NET, RDSDK, इनको सबको जब भी आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो आपसे पूरी आपकी इंक्वायरी मांगेंगे। हम इंक्वायरी नहीं दे रहे, हमें इनकी ज़रूरत है नहीं। देखिए, जिस पे भी आप डाउनलोड करेंगे वहीं पे इंक्वायरी मांगेगा। सारी इंक्वायरी होने के बाद 48 घंटे में इसका फीडबैक आएगा मेल के द्वारा ही। तो चलिए, हमारी जो दोनों हमने डाउनलोड किए हैं वो हो चुके हैं, अब उनको रन करते हैं। सबसे पहले RD सर्विस 1.08 इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। यह हमारे पास विंडो 7 है, इसको यस कर देंगे अगर आपके ऊपर पहले इंस्टॉल है तो। ये हमारी RD सर्विस जो है वो इंस्टॉल हो गई है। ये नेक्स्ट करते हैं। RD सर्विस जो कोई ज़्यादा टाइम लेती नहीं है, लेकिन जो ड्राइवर है वो हमारा थोड़ा समय लेगा। और विंडो 7 की जो रिक्वायर फाइल थी, मैंने जो बताई थी आपको, उन सभी फाइलों को ये डाउनलोड करेगा पहले, फिर इंस्टॉल करेगा। चलते हैं, चलिए देखते हैं फिर। ये देखिए, आ गया विंडो की जो रिक्वायरमेंट फाइल आ गई, जो मैंने बताई थी आपको फर्स्ट में, वो ये मांग रहा है। चलिए अब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये हमारी जो भी फाइलें हैं, अगर हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, PC में अगर ये फाइलें नहीं है तो पहले ये इनको डाउनलोड करेगा। बीच बीच में रिफ्रेश ज़रूर करते रहें। देखिए, पहले जो मंत्रा RD सर्विस चलती थी वो 4.0 नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती थी, लेकिन नई RD सर्विस आने के बाद ये 4.52 वर्जन अब इसकी रिक्वायरमेंट है इसको। तो चलिए हम यहाँ से सारे इंस्टॉल कर देते हैं। आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए, ये ऑटो उठा लेगा सारे सॉफ्टवेयर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करते रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी अगर इनमें समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपके सामने क्या समस्या आ रही है, ताकि हम उसका समाधान निकाल सकें। फिर यहाँ पे ये इसका ड्राइवर के लिए बोल रहा है मंत्रा की, यहाँ पे चेक मार्क लगा के और इसको इंस्टॉल कर दे। शकल मत बना पिल्ले, बिस्किट ना खीर बना रही हूँ, खीर खा लो फिर। थोड़ा सा तो बिस्किट दे, पूरा बखेर दे ना, और भी सही रहा। रिफ्रेश दोस्तों बीच बीच में जरूर करते रहें, इससे प्रोसेस जल्दी हो जाती है, कोई भी प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। बेटा चुप रहो, वीडियो चल रही है बननी, तुम्हारी बोली आ जाएगी सबकी। उसके बाद ही हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। चलिए तो हम इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो CPU है वो रीस्टार्ट होके तैयार हो चुका है। अब हम अपना डिवाइस लगाएंगे। ये हमने डिवाइस लगा दिया, यहाँ पे स्किप कर दे इसको, यस कर दे, नहीं तो ये नेट से मंत्रा का जो ड्राइवर है उठाने लग जाएगा, उसमें काफ़ी समय लगेगा। इसको स्किप कर दे और उसको बाद इसको थोड़ा सा समय दे, लगभग 20-25 सेकेंड में ये इसका ड्राइवर इंस्टॉल करके आपको रेडी टू यूज के लिए आ जाएगा मैसेज। ये देखिए, इंस्टॉल रेडी टू यूज। जैसे हमारा डिवाइस रेडी हो जाए, इसको क्लोज कर दें और डिवाइस को एक बार हटा के और दोबारा से प्लग इन करें।
और वापस लगा दे। उसके बाद ये देखिए यू हैव ए सक्सेसफुली कन्वर्टेड। इसके बाद इस मैसेज के आने के बाद अपनी डिवाइस को एक बार फिर रिमूव करें और रिमूव करने के बाद वापस प्लग इन कर दें। ये देखिए डिवाइस अटैच्ड हो गया, हमारा जो डिवाइस है वो यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये मैसेज आ गया है, फ्रेमवर्क रेडी टू यूज़। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।